नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं अमर सिंधु के इलाका में, जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एक प्लॉट है और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि कैंडल लाइट जो है CFF चर्च की तरफ से यहाँ पे आज प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो स्कूल बना रहे हैं और साथ ही साथ ये सिर्फ स्कूल नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पे एक ऑर्फन सेंटर बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, ओल्ड एज होम सेंटर है और साथ ऑर्फन सेंटर भी है। तो ये नाज़रीन इस इलाके के लिए एक बड़ी खुश आइंद बात है कि इस पसमानदा इलाके में इस तरह की जो बिल्डिंग है, इस तरह का जो सिस्टम है वो बड़ी ख़ास अहमियत रखता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है ये कोई बहुत ज़्यादा डिवेलप इलाका नहीं है, तो भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जरनाब तारिक साहब हैं जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने और उनकी जो कैंडल लाइट जो टीम है उन्होंने इस बात को जाना, इस बात को समझा कि हम यहाँ पे इस तरह का कम्युनिटी सेंटर बनाएं, इस तरह का स्कूल बनाएं, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, वो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सके। तो आए नाज़रीन, मैं आपको वो तमाम लोगों से भी मिलवाता हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में अपना किरदार अदा किया, और साथ ही साथ हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे और आए हुए मेहमानों से पूछेंगे कि ये जो जगह है ये पहले एक जो है कूड़े का ढेर था और यहाँ पे कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे एक स्कूल का आगाज़ किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको अपनी दुआ में भी रखें और साथ ही साथ मैं बाद में फिर आपको ये जो है इस पर बात करूँगा, ताकि आप ये तमाम लोगों से जान सकें कि यहाँ पे जो जगह का मंजर था वो क्या था और अब क्या है। तो आए नाज़रीन, हम आए हुए मेहमानों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यारस साहब जो कि यहाँ पे असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट जो चर्च है वहाँ के पासवान हैं, और हम उनसे भी पूछेंगे कि ये जो जगह है उसके बारे में वो अपने ख्याल का इजहार करें और हमें बताएं कि ये जगह जो है वो पहले एक जो है वो कूड़े के ढेर का मंजर सर पेश कर रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैंडल लाइट की जो टीम है उन्होंने इस जगह को जो है वो डेवलप करने की जो है वो भरपूर कोशिश की है और उन्होंने अपना रोल अदा किया है। आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? अजी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कैंडल लाइफ ये मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने जो ये इस काम को शुरू किया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलाके के लिए, अमर सिंधु के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। और ये जो एक वीएन एक रोया लेकर आया है, ये अमर सिंधु के इलाके की किस्मत तो चेंज हो रही है, लेकिन आसपास के जितने भी इलाके हैं उनके बच्चे भी जब यहाँ पर आकर पढ़ेंगे और तलीम हासिल करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस सारी मैनेजमेंट को, ये बड़ा अच्छा स्टेप उठाया और हम प्रॉपर सब लोगों के साथ हैं। और ये जिस तरह अभी आप पूछ रहे थे कि ये वाकई एक कचरे का ढेर था और बड़ी गंदी जगह थी, हमारा बचपन भी यहाँ पर गुजरा है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया जा रहा है। हम प्रॉपर तौर से मैं एज ए पास्टर और अपने चर्च के साथ मिलकर आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हम इस काम में आपका भरपूर साथ दे सकें। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। अभी हमारे साथ अमर सिंधु के एक बहुत ही बुजुर्ग जो हैं वो पास्टर साहब मौजूद हैं जो कि बैतनिया चर्च के पादरी हैं, और यहाँ पे वो हमारे साथ मौजूद हैं, सामा साहब उनका नाम है, और हम उनसे भी जानेंगे कि कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप जो है उनका जो ये जो इकदाम है यहाँ पे, क्योंकि वो स्कूल भी बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ऑर्फन सेंटर भी बनाना चाह रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर भी बनाना चाह रहे हैं, तो सर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप का ये जो स्टेप है, ये जो इकदाम है, आप उसको किस तरह से लेते हैं? हम इन पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं कि ये जो कुछ कार्य है अमर सिंधु के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। ये जगह वरान हो चुकी थी, किसी वक्त पार्क शिवरेश वालों ने ये स्कूल चलाया और ना चला, फिर हमारे इधर से भी स्कूल को चलाने की कोशिश भाइयों ने की, लेकिन ना चल सके। यहाँ के लोग भी कुछ यहाँ कूड़ा फेंक देते, या इसी तरह तनवीर खोखर ने भी यहाँ चलाया, वो भी नाकाम, और फिर पार्क शिवरेश ने बिल्डिंग भी बनाई नाकाम, लेकिन अब हमारे भाई मुनीर भट्टी और यूनुस गौरी और ये नौजवान सब मिलकर इस कदम को उठाने वाले हैं कि ये इस
मोहल्ले में जो 400-500 घर यहाँ रहता और मसीहों के लिए एक अच्छा स्कूल बन सके और फिर कॉलेज वगैरह ये सब कुछ हो, तो हम ईमान रखते हैं जो कुछ करेंगे ये अहले मोहल्ला की भलाई और नेकी के लिए। हमारी दुआ है कि खुदा ने बहुत बरकत दे और इस काम में कामयाब करे, सरफराज करे, और जो इसके लिए पैसा भेजेंगे उनको भी खुदा बरकत दे, और जो इसके लिए काम करेंगे उनके लिए खुदा। ये भी दुआ हम करते रहते हैं कि इसमें किसी तरह कोई सारे लोग मुतमिन हो, कोई नुकसान या गलत कदम उठाए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पे अमर सिंधु के लिए उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो स्कूल बनाने की जो है वो की है, एफर्ट की है, और साथ ही साथ एक ऑर्फन सेंटर और फिर कम्युनिटी सेंटर। तो जना साहब सर एक तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे सौंपा गया पाकिस्तान में। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में और खास करके अमर सिंधु के लोगों के लिए और हमारी क्रिएशन कम्युनिटी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्कूल है और ऑर्फन सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, जो कितना बेनिफिशियल साबित होगा? अब तक जो देख रहे हैं सब तक सलाम पहुंचे। मेरा नाम पास्टर जनाब तारिक है और मैं कैंडलाइट क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च का पाकिस्तान में एज ए चेयरमैन पास्टर के बंदो सर चाहते हैं। सो ये जो लैंड जहां पर आप मौजूद है, इस लैंड पे हमारा प्लान है कि हम आने वाले वक्त में इस स्कूल को तामीर करें ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और जो दीगर और कम्युनिटी भी हमारे साथ है उनकी फलाह बहबूद के लिए स्कूल को बनाया, यहाँ से बहुत सारे लोग एजुकेशन हासिल करें और तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकें। जरा सर आप हमें ये भी बताएं कि ये जो जगह है, पहले यहाँ पे एक स्कूल था लेकिन शायद वो ज्यादा देर तक जो है वो कायम नहीं रह सका, लेकिन ये अब जिम्मेदारी आप पर जो है वो आई रहती है, और आप क्या सोचते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने के लिए, क्योंकि आप अभी यंग हैं और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आप एक नौजवानों के लिए एक ऐसे रोल मॉडल की तरह, एक ऐसे मेंटर की तरह सामने आए हैं ताकि आप नौजवानों को साथ लेकर चलते हुए और खास करके जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए यहाँ पे एजुकेशन का जो आपने प्लान किया है उसको आप क्या सोचते हैं कि कितना जो है यहाँ के यहाँ के लोगों के लिए और खास करके आपके लिए कितना ये बेनिफिशियल होगा? अगर हम बिब्लिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली देखें तो इसराइल जब असीरी में चले गए तो खुदा ने फिर नहमिया को खड़ा किया। नहमिया एक नौजवान शख्स था जिसने इसराइल की फसल को तामीर किया। सो ये जो लैंड जहाँ मौजूद है, गालबन यहाँ पर एक अरसा पहले स्कूल हुआ करता था और हम देख रहे हैं कि कमरे भी समहाउ मौजूद है लेकिन खंडर का मुनाजर पेश कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि खुदावन की मर्जी ही से सब कुछ मुमकिन होता है और खुदावन ने मुझे इस इलाका की फलाह बहबूद के लिए खड़ा किया था कि यहाँ पर स्कूल को तामीर करें और हमारी कम्युनिटी स्पेशली जो एजुकेशन के एरिया में फीसिस जिनके लिए पे करना थोड़ा मुश्किल है हम उनकी हेल्प कर सकें, उनकी सपोर्ट कर सकें ताकि यहाँ ही से बच्चे पढ़ के आगे यूनिवर्सिटीज तक जाए, कॉलेज तक जाए और अच्छे ग्रेड्स लें और गवर्नमेंट जॉब्स में जाए, बिजनेसेस को एक्सपैंड किया जाए। सो हमारा ये विजन है, हमारा ये प्लान है, खुदा ने ये रोया दिया हमें ताकि हम अपनी कौम के लिए नैनिया की तरह खड़े हों और इस इलाके की इस स्कूल की फसल को दोबारा से तामीर करें और यहाँ से बहुत सारी कौमें मुनव्वर हों। चेयरमैन साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पे आप स्कूल का आगाज करने जा रहे हैं और खास करके हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पासवान भी जो खिदमत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आप अपने ट्रस्ट को किस तरह से जो है वो कायम रख सकते हैं और वो तमाम पासवान जो पास्टर्स हैं, बहुत सारे चर्चेस यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी आप साथ लेकर चलेंगे या आपको अपने तौर पे सारा काम जो है वो करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? हम वहां बाइबल कहती है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहे हैं। सो हम तमाम खादिम मिलकर इस जगह पर ऑपरेट करेंगे, इस जगह को रन करेंगे
और यहाँ पर हम सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ पर बाइबल कॉलेज, मेडिकल सेंटर, ओल्ड एज होम, ऑर्फन होम भी बनाएंगे ताकि और भी लोग यहाँ पर आए और हम सब आदमी मिलकर इस जगह के लिए दुआ को और कर भी रहे, जहाँ पर दुआया मीटिंग्स भी हुआ करेंगी और सब मिलकर काम करेंगे ताकि खुदावंद के नाम की सलाह मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो दिन आ पहुँचा जबकि खुदावंद ने जैसे चाहा कि इस स्कूल की या इस जगह की हालत को देखते हुए हमने ये सारा कुछ आसिफ आसर साहब जो अमेरिका में मौजूद हैं उनके आगे रखा कि यार हमारा यहाँ पर एक स्कूल पहले था मगर अब वो खंडर की सूरत इख्तियार कर चुका है, सो आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पास्टर डॉक्टर आसिफ आसर साहब का, कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को, इस पूरे गांव की दरख्वास्त को, क्रिश्चियन कॉलोनी कैंची अमर सिद्धू के तमाम लोगों की मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए यहाँ पर स्कूल बनाने का बेड़ा उठाया। सो मैं आसिफ आसर साहब और कैंडललाइट क्रिश्चियन फेलोशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बेड़ा उठाते हुए आज यहाँ पर इफ्तिताह का मौका दिया और मेरा ईमान है कि ये बहुत जल्द, क्योंकि कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल के हवाले से हम मुख्तलिफ जगहों से मंजूरियाँ ले रहे हैं और खुदावंद के फजल से 80% काम मुकम्मल हो चुका है, 20% रह चुका है। जैसे ही वो काम मुकम्मल होगा तो इस स्कूल का हम इफ्तिताह करते हुए इसकी बुनियादें खुदावंद के फजल से शुरू कर देंगे और एक दिन आप देखेंगे कि ये एक अजीमुल शान स्कूल की शक्ल इख्तियार करेगा, एक कम्युनिटी हॉल की सूरत इख्तियार करेगा, एक बाइबल स्कूल की शक्ल इख्तियार करेगा और एक ओल्ड एज होम की सूरत भी इख्तियार करेगा। ये हम सबका ईमान है कि हमारी टीम जो इस वक्त पाकिस्तान में जनाब पास्टर जरनाब के वसीला से काम कर रही है, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि हम उस टीम का हिस्सा हैं और ये आपको बहुत जल्द, खुदावंद ने चाहा, जैसे ही मंजूरियाँ मुकम्मल होंगी तो ये स्कूल बनना शुरू हो जाएगा। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मौका बख्शा। हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार हैं इस बरादरी के लिए जिन्होंने आज ये जिम्मेदारी कैंडल लाइट फेलोशिप के हवाला की। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्रिश्चियन कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम का जो है वो आगाज किया गया और खास करके जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक जो क्रिश्चियन स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग जो है वो तमीर की जाएगी, खास साथ ही साथ ऑर्फन एज सेंटर जो है वो यहाँ पे तामीर किया जाएगा और इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो हम सब आपके लिए दुआगो हैं और चाहते हैं कि आप इस जगह को अपने गाँव में याद रखें और नेशनल न्यूज़ ड्रामा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जो पसमानदगी की हालत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, अगर कोई मिशन, अगर कोई मिनिस्ट्री, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो उन इलाकों में काम करने के लिए जाती है तो नेशनल न्यूज़ ड्रामा उनको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे अमर सिद्धू के जो लोग हैं, यहाँ की जो क्लर्जी टीम है, जो यहाँ के पासवान हैं, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर CCF के जो चेयरमैन हैं जनाब पास्टर जनाब तारिक, उनको यहाँ की चाबी जो है वो उनके हाथ में थमाई और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है ताकि वो यहाँ पे स्कूल का आगाज़ करें, कम्युनिटी सेंटर का आगाज़ करें और एक ऑर्फनेज सेंटर बनाएं ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें और यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक म्यारी तालीम हासिल करते हुए वो फ्यूचर में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने मुल्क का और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारक पैरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।